By selling an article at 3/4 of the market price, marked price, there is a gain of 25%. The ratio of the marked price and the cost price is. Okay, तब हम देखिबा कौन ना market price कहते हैं, बाय marked price कहते हैं 100. तब फिर कौन कोला? Selling by 3/4 of the marked price. तो 100 रो 3/4 कहते हैं वो? 3/4 माना 4 भाग रो 3 भाग. बोले सेलिंग प्राइस कते हला 75 केंती हला 100 गुणन 3/4 4 रे काटले 25 3 75 ओके तापरे एंड गेन 25% केते पाइला 25% गेन हला तो सीपी केते कॉस्ट प्राइस आ सेलिंग प्राइस भितरे हमरो माने लॉस हबो कि गेन जणा पड़िबो तो मने करो सीपी हला एक्स तो केते टंका तार लाभ होई जी ना 25 टंका केते 25% तो सीपी जदी 100 टंका हला ये हिबो केते ना 125 हबो 25% गेन बुझे हो जी केमति हबो तो सीपी जदी 100 टंका नबा 25% लाभ हला तो एसपी हिबो 125 टंका ओके तो आमे देखि देबा एक्स रो वैल्यू बाहर कर देबा एक्स इक्वल टू दीटा वज्र गुणन हे जबो कोन ना 75 गुणन 100 बाय 125 25 3 75 25 50 125 5 रे काटले हला केते 20 ये होला केते 60 ओके तो एक्स रो वैल्यू हे गला 60 ठीक छि त हमको कोन कह जे रेशियो ऑफ मार्केट प्राइस पर मार्क प्राइस इज टू सीपी ओके तो ये हला मार्क मार्क प्राइस इज टू कॉस्ट प्राइस इक्वल टू केते मार्क प्राइस हला केते 100 टंका बाय सीपी हला केते 60 टंका तो केते होला 0 को 0 कटि गला 2 काटले 5 2 काटले 3 तो 5 इज टू 3 थैंक यू